आज 22 अप्रैल है, अक्षय तृतीया है। आज आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज वैशाख माह की जो तृतीया है उसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है, पहले अक्षय, क्षय में जिसका क्षरण होता चला है, और अक्षय जिसका कभी क्षरण ना हो, खत्म ना हो, जो हमेशा विद्यमान रहे। तो आज की जो महत्ता है वो क्यों मानी गई है, लोग जो जन सामान्य में ये प्रचलित है कि आज के दिन हम सोना खरीदते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं है। इसमें वो चीज़ आप करते हैं, अगर आप सोना खरीदते हैं तो आप समृद्ध हैं। अगर जो भी चीज़ आप खरीदेंगे आज के दिन वो दुगुनी वृद्धि करे, उसका डुप्लीकेशन होगा और वो आपकी संपन्नता में इंक्लूड हो जाएगी। परंतु ये मनाया क्यों जाता है, किस देवता की इसमें पूजा की जाती है, आप उसको देखें। तो इसमें क्या है, आज भगवान विष्णु का दिन है। आज भगवान विष्णु की आप पूजा करें, उसका वंदन करें, मतलब उसकी पूजा के लिए सबसे पहले आप पीत वस्त्र धारण करें और उनको पीले जो वो पुष्प हैं उनको वहाँ पर अर्पित करें, उनका वंदन करें, और उन्हीं से आप ये कामना करें, उन्हीं एक भिक्षुक की तरह मांगें कि आज मुझे अपने परिवार में संपन्नता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन सब की वृद्धि मेरे अंदर हो। तो यही अक्षय तृतीया का महत्व है ये। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके गुरुवर हैं उनके समक्ष जरूर जाएं, वो जो भी आपको प्रदान करेंगे, आज ज्ञान प्राप्त कराएं, कुछ भी कराएं, तो वो आपके उसमें वृद्धि करेगा, आपके जो जो व्यक्तित्व विकास है उसमें वृद्धि आएगी, धन की प्राप्ति होगी, अगर ज्ञान की प्राप्ति होगी, उन सभी के लिए आप अपने गुरुवर के समक्ष अवश्य जाएं, उनसे एक बार दर्शन जरूर करें, अपने भगवान का वंदन करें, अपने ईष्ट का वंदन करें आज। और अगर आप संपन्न हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, तो सोना चांदी ये खरीद सकते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर आपके धन संपदा है तो आप आज के दिन अनाज भी खरीद सकते हैं, तो ये भी आपका एक सोना है, ठीक है। गेहूँ है, अनाज है, जो मोटा जो अनाज है आप उसको भी अपने घर पर लाएंगे आज के दिन, तो वो भी वृद्धि ही करेगा। धन्यवाद।